गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी रात से। आज हमारी सोसाइटी में गरबा का पहला दिन है और मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई जाने में, कुछ काम कर रही थी, तो अब मैं थोड़ा सा तैयार होकर जाने लगी हूँ। देखती हूँ, अब तक तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा। खाती हूँ सोसाइटी की रौनक, बाहर की लाइट्स कितनी अच्छी लग रही, और इधर ही कहीं आगे पंडाल है जहाँ पर दुर्गा पूजा भी चल रही है। तो कल का दिन छुट्टी रहेगी, तो छुट्टी होने की वजह से मैं फिर आराम से फ्री होकर वहाँ जा सकती हूँ, तो कल वहाँ पर भी चलेंगे। सोसाइटी के गेट से निकलो, दूसरे में एंटर कर जाओ। माता के दर्शन, और इधर चल रहा है पूरा गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज ये फिर सेकेंड डे है, उसी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। आज वैसे माता का जो है वो सप्तमी है, सेवेंथ डे, तो आज सबसे पहले जो वैसे ग्रे का डे है, तो मैंने ग्रे कलर अटायर पहना हुआ है। अब हम जाने लगे पहले दुर्गा पूजा वाले पंडाल में, वहाँ से फिर आने के बाद फिर सोसाइटी में जो गरबा वगैरह होगा वहाँ पर वो करेंगे। तो अभी चलते हैं पंडाल, वहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको क्या संपर्क। यहाँ पे 10th जो है वो है, 10 ईयर्स हो गए हैं जो दुर्गा पंडाल का लग। अंदर तो हमने दर्शन कर लिए, देखा कि अब उधर आगे की तरफ जाते ही ज़्यादा देखते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस चल रही है। ये सारे पूरे स्टॉल से दो और इस तरफ जो है वो परफॉर्मेंसेस होती है। हमने इतने सारे वो स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन अभी आज मेरा तो फास्ट है तो मैंने कुछ खाना नहीं है। यहाँ पर अभी परफॉर्मेंस दुर्गा पूजा की देखकर दर्शन करके अब निकल चुके हैं। एक दो परफॉर्मेंसेज देखें, अभी तो काफ़ी देर चलेगा। हम अपनी सोसाइटी में जाके वहाँ पर गरबा होना है, जो सिल्ड कर तो आज का प्रोग्राम तो हम खत्म करके आ चुके हैं, और अभी कल भी होगा, गर्ल्स को क्या देखते रहोगे। और कल मेरा मन है कि एक दो और दुर्गा पंडाल जो है हमारे एरिया में वो उसको विजिट किया जाए। तो आज एक वाले में हुआ है, कल भी एक या दो में देखती हूँ मैं जाकर कि कैसे, क्योंकि कल संडे है तो जाया जा सकता है, अदरवाइज़ तो स्कूल से आने के बाद तो इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन दशमी में भी इस बार मेरा जाने का प्लान है, तो देखती हूँ कैसे बनता है, उसके लिए मैंने भी तैयारी भी कर रखी है। तो चलो मिलते हैं अभी कल, और कल के लिए तैयार रहिएगा। कल का क्या ड्रेस होता है